फिरोजाबाद में दो पक्षों में हुए विवाद में जमकर चले लात घूंसे। मामला थाना उत्तर क्षेत्र के जलेसर रोड स्थित झील की पुलिया का है, जहां चूड़ी के तोड़ों की खरीद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी लात घूंसों में बदल गई। 15 से 20 मिनट तक सड़क पर मार पिटाई का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और दोनों पक्षों में मार पिटाई इतनी ज्यादा हो गई कि दोनों पक्ष खून से लहूलुहान हो गए। वहीं लड़ाई होते देख जलेसर रोड पर भीड़ एकत्रित हो गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उस लड़ाई में बीच बचाव करे। बाद में पास में स्थित ककरऊ कोठी चौकी से एक सिपाही आया और उसने आकर दोनों पक्षों की लड़ाई को शांत कराया। जी मेरा नाम पंकज है। यहाँ लड़ाई हुई, किस बात के पीछे लड़ाई हुई? जी भैया, हम यहाँ तोड़े खरीदते हैं, वो आगे खरीदता है। हम अपने पड़ से दूसरे के पड़ पे जाते नहीं है, लेकिन जब अपने पड़ छोड़ के हमारे पड़ पे आया और बेइज्जती में है, क्यों खरीद रहा है, गाली देने लगा बुरी बुरी। हमने कि भैया तू अपना पड़ते से खरीद, हम अपने पड़ते से खरीद रहे हैं। पीछे लोग थे, कौन लोग? नाम जी मुन्ना लाल के तीन बेटे थे और अज्ञात में यहीं के 7-8 करीबन 10 लोग थे जिनको हम जानते नहीं हैं। मुन्ना लाल के लड़के थे धर्मवीर, कौशल और सौरभ। ये तीनों ने चाबियों से गोद गोद के मारा है। देखो ककार थूकने पर बार बार थूका रहा है, सांस नहीं ली जा रही है। बहुत इन आग पाग में जहाँ मिला इन भाई साहब ने बर्फ बालों के ठेले पे करैया में पैसे रखे थे वो इसमें फेंक दिए और तराजू बाट से देखो चांद में भी होगा। इन्हें बहुत मारा है, किसी ने नहीं बचाया भाई साहब, यहाँ के सिर्फ इन बर्फ बालों ने बचाया है मुझे। पुलिस ने इन्फॉर्म, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया 112 नंबर पर। उन्होंने कहा भी आ रहे हैं और ये मार पीट के यहीं साइड से कहीं भाग गए हैं। बहुत बुरी तरीके से मारा है दोनों तीनों भाइयों को। पुलिस आई थी, पुलिस के एक सिपाही आए थे, वो हमसे मिलके नहीं गए, पता नहीं किसको ले गए, उन्हीं को ले गए होंगे।